क्या हो गया? चलिए राइट डाउन बेटा। अच्छा एक टर्म मैंने आपको बतानी है, वी आर लेफ्ट विद वन टर्म, फॉर्मूला यूनिट मास। ओके देयर इज वन टर्म, फॉर्मूला यूनिट मास। इट इज सिमिलर टू द मॉलिक्यूलर मास डेट यू कैलकुलेट। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, ठीक है, तो सेम ये भी मॉलिक्यूलर मास ही है, फॉर्मूला यूनिट मास। बट द ओनली डिफरेंस इज दिस कि इसमें जो आप कंपाउंड्स बात करते हो वो क्या कर जाते हैं, वो आयोनाइज कर जाते हैं। एज सून एज यू आर गोइंग टू पुट दैट कंपाउंड इन वॉटर, जो उसके एलिमेंट्स हैं वो आयन्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है NaCl। अब NaCl का मास अगर आप निकालो, मॉलिक्यूलर मास, तो डेट इज 23, ठीक है। तो अब अगर NaCl का मैंने फॉर्मूला यूनिट मास लिखा है, तो डेट इज सेम कि आपने 23 को प्लस कर देना है 35.5 में, ठीक है। कैलकुलेट करने का मेथड सेम है, बस टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफरेंट है। इनके लिए हम मॉलिक्यूलर मास नहीं वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। किनके लिए? ऐसे कंपाउंड्स जो पानी में डालने से क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे NaCl को आप पानी में डालोगे, इट विल गिव Na पॉजिटिव और Cl, ठीक है, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो इनके लिए हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। कैलकुलेशन का मेथड बिल्कुल सेम है, उसमें हम नहीं चेंज करते। आपने, मैंने बोला ना, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे आप दूसरों का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो, वैसे ही इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, बस एक टर्म अलग है। ऊपर आपको मॉलिक्यूलर मास लिखा नहीं आएगा, फॉर्मूला यूनिट मास लिखा आएगा, ठीक है। जैसे आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है आप देखो तो, ठीक है, तो उसमें मैंने फॉर्मूला यूनिट मास लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखा। कैलकुलेट करने का सारा मेथड सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके नाउ नेक्स्ट राइट डाउन। मैंने कल होमवर्क दिया था, रेशियोज दी थी कि विच इज हैविंग मोर वेट, आई गेस मोर एटम्स, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ आयरन एंड 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, किसके ज्यादा है? आयरन के कितने एटम्स आए हैं? 2.1। अच्छा आपने रेशियोज निकाल लिए। चलो वैसे उन्होंने पूछा है विच हैज मोर एटम्स, तो एल्यूमिनियम के एटम ज्यादा, हाँ 5.38 × 10^23 है, और एल्यूमिनियम के 11.15 × 10^23 है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, दिस वाज योर होमवर्क, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन। अच्छा असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपने देखे हैं, उनमें कोई डाउट लगा ऐसा न्यूमेरिकल? एक एल्यूमिनियम वाला है, वो मैं अभी करवा देती हूँ, उसके बाद लिखो बेटा। Arrange the following in the ascending order of their masses. Arrange the following in the ascending order of their masses. मुझे आवाज आ रही है और मैंने अब बाहर निकाल देना है। 2.5 moles of water. Put your last decks. इधर आ ध्रुव के पास। कितनी बारी पॉइंट आउट करूं मैं? ट्वेंटी फाइव ग्राम ऑफ वाटर, थ्री पॉइंट जीरो वन टू, हेवन स्टैंड अप, इधर फर्स्ट रेट पे 3.012 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यू हैव टू अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस। यू हैव टू अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस, इसका मतलब क्या है कि आपने सबके मास पहले निकाल लेने हैं। ये तो ऑलरेडी मास में है ही,
ग्राम्स में है, ठीक है, तो बाकी दोनों को पहले कन्वर्ट करो मास में, मोल्स को मास में कन्वर्ट करो एंड मॉलिक्यूल्स को मास में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूल्स को पहले मोल्स में, मोल्स से फिर मास में, ठीक है, कन्वर्ट करो और आंसर बताओ क्या बेटा एसेट, क्योंकि एटम्स पूछे हैं ना तो सल्फर के कितने एटम्स लगे हुए हैं, 8 लगे हुए हैं ना, तो इसलिए हमने उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, लिख ले, हाँ जी बेटा इसके निकाल लें फर्स्ट के 2.5 मोल्स, वेरी गुड 45 है बेटा, चेक योर कैलकुलेशन, टू पॉइंट फाइव को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 2.5 को फर्स्ट में 18 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल बी गेटिंग 45, सेकंड तो है ही ग्राम्स में, थर्ड वाले को लिखो, फर्स्ट का तो हो गया, आगे करो, हाँ जी बेटा मल्टीप्लाई बाय 18 करना है, अब इसके बाद पता क्या ऑप्शन है, बस, हाँ जी मॉलिक्यूल्स को पहले हमने किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में, मॉलिक्यूल्स वाले को किस में कन्वर्ट करना है, वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय एंड देन वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद, हो गया ऐसे ही करेंगे, रफली काट दो टू पे, रफली टू पे काट दो, ये टू पे चला गया, 900 कैसे हो जाएगा बेटा, 9 यहां से एक जीरो आएगी, तो दैट इज 90 ग्राम, ठीक है, इज दिस क्लियर, अब इसका कितना मास है, 45, इसका है 25, इसका 9, कौन सा ऑर्डर लिखना हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा 25, सॉरी सबसे बड़ा पहले 90 ग्राम, देन 25 ग्राम, 25 है बेटा, सबसे पहले आप ये लिखोगे, देन इज 2.5 moles of water, then is 25 gram of water, ठीक है जी, हाँ जी क्लियर है, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.0, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.056 ग्राम्स ऑफ, इन 0.056, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.056 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, where atomic mass of aluminium is 27 and that of oxygen is 16. बेटा आपको पता ही होना चाहिए एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का कितना कितना मास है, 27 फॉर एल्यूमिनियम एंड 16 फॉर ऑक्सीजन, आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ आयंस, आयंस एटम्स पार्टिकल्स दे ऑल आर सेम, ठीक है, 0.026 है, 0.056,
हमने नंबर निकालना है, ये क्या गिवन है, मास गिवन है, मास को नंबर्स में चेंज करो, मास को नंबर्स में कैसे चेंज करोगे, यू विल बी डिवाइडिंग इट विद मास से मोल्स, मोलर मास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास निकालो, 43 कैसे आ जाएगा, पहले आपने डिवाइड करना मोलर मास से एंड यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद एवोगैड्रो नंबर। चार्ट देखो, चार्ट यू विल बी डिवाइडिंग इट विद द मोलर मास। एवन लिख लो बेटा कुछ, टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे आए हैं आपके। This is 102 and we will be multiplying it with the ठीक है निकालो। फाइंड आउट बेटा, कितना आंसर आया बेटा, सॉल्व करो उसको, आंसर बताओ मुझे परफेक्टली। हाँ जी सॉल्व करना है, सारे को सॉल्व करना है। Have you solved? Fractions को भी solve करो। हाँ points में answer बोलो। Points में answer बोलो, points में। टेबल पे चला जाएगा कर तो रही हूँ जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री जीरो सिक्स इंटू टेन रेज़ टू पावर 20।
0.3306 into 10 raised to power 23 है, ध्यान से देखो पावर ज्यादा आ रही है, 20 आनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लेना अब आपने, यहाँ से डिवाइड कर लो 56 को 17 से, ठीक है। यहाँ पर आपका 3.305 समथिंग आना शुरू हो जाएगा। अब उसके थ्री हमने अगर मैं 3.3 कह रही हूँ तो एक डेसिमल का फर्क पड़ेगा, 3.306 है बेटा। एक बारी दोबारा देख लो, इसका कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करके देख लेना। योर आंसर विल बी 3.306 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20। जो भी आपने निकाले हैं एटम्स हैं, नंबर हैं, पार्टिकल्स हैं। ओके, नाउ वन थिंग इज लेफ्ट, नाउ दे आर आस्किंग अबाउट यू टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कौन से आयन। बेटा सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। हमने ये सारे एटम्स जो हैं या हमने ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो किस में निकाले हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में निकाले। अब उसने आपको स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम के पूछे हैं बस। अब अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो ब्रेक करेगा तो आपके पास कितने एल्यूमिनियम आयन आएंगे, 2। कितने ऑक्सीजन आयन आएंगे, 3। तो आपका जो भी नंबर आया है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद द नंबर ऑफ एटम्स दैट यू विल बी ऑब्टेनिंग, ठीक है, व्हेन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आयंस। जब आपने इसको आयंस में चेंज करोगे तो आपके पास 2 एल्यूमिनियम आयंस आएंगे और 3 ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम के पूछे हैं ना उसने मेरे से, तो मैंने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ। तो दैट इज 6.612 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20 आयंस। 6.612 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम। इज इट क्लियर? अब सेम टाइप का न्यूमेरिकल एक और है, वो सॉल्व करो। अब सल्फर एसिड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए ये थोड़ा कैलकुलेशन में इजी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये कैलकुलेशन में ठीक है, थोड़ा सा कर लो, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। एल्यूमिनियम Now please make me clear, are you giving me the answer of aluminium ions or number of atoms? आप मुझे किसका आंसर दे रहे हो, एल्यूमिनियम आयंस का दे रहे हो कि नंबर ऑफ एटम्स का दे रहे हो? नंबर ऑफ आयंस है हमारे 6.02 के,
आपके पास ये ग्राम है, ग्राम को हमने डिवाइड करना है विद मोलर मास, देन वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद द एवोगैड्रो नंबर, देन वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट आल्सो विद द टू, टू के साथ ही करेंगे तभी एल्यूमिनियम आयंस आएंगे, इतने एल्यूमिनियम आयंस। अब इस सारे को सॉल्व करो, ठीक है जी। तो ये तीन पॉइंट नीचे आएंगे, ये तीन के साथ यहाँ पर ये पावर माइनस करो थ्री वाली, ये 51, ये 51 कैंसिल आउट, 6.022 इनटू 10 इज टू पावर 20 एल्यूमिनियम आया। अब 20 कैसे आया, देखो 23 में से 3 माइनस नहीं किए, ये वाले 0.051 वाला किया कि नहीं, 0.051 का डेसिमल हटाया, कनिका डेसिमल हटाया, नीचे तीन जीरो आई, वो तीन जीरो के साथ इसको माइनस कर दिया, 51 बचा, 51 के साथ ये 51 कैंसिल आउट। अच्छा बेटा वन मोर थिंग, देयर इज वन क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी आल्सो, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इसमें एलिमेंट्स के भी नेम्स देने हैं आपने, तो आप कैसे दोगे? जैसे इसमें है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे आंसर देने हैं। ओके एक मैंने आपको HBr डाला था, इसमें कौन ऐड हाइड्रोजन एंड ब्रोम, ठीक है, क्लियर है। इसमें कौन कौन से हैं, पोटेशियम सल्फर, पोटेशियम सल्फर एंड ऑक्सीजन, क्लियर है। चलिए राइट डाउन वन मोर न्यूमेरिकल, अच्छा When we did the laws, मैंने आपको रेशियोज कैलकुलेट करनी बताई थी, When we did the law, मैंने आपको रेशियोज कैलकुलेट करनी बताई थी, तो उसी के कंटेक्स्ट में एक लिखो, फाइंड द रेशियो बाय मास, फाइंड द रेशियो बाय मास इन केस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फाइंड द रेशियो बाय मास इन केस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ जी CaCO3। अब आपने रेशियोज निकालनी है मास से, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CaCO3। रेशियोज आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, मास बोला है तो कैल्शियम का मास कितना है, आगे डालेंगे हम रेशियोज का साइन, क्या कार्बन का, ऑक्सीजन का, 16 3 का 48। अब इसको सिंप्लीफाई करो जितना आप कर सकते हो, तीनों को इकट्ठे करना, तीनों को इकट्ठे एक ही टेबल पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, जिस पे भी हो रहा है। ये सारे फोर पे जाएंगे, 4 10 40 4 3 30। अब इसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 10 ऑड हो गया, 3 और 12 तो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रेशियो बाय मास, आगे निकालो C2H5OH, C2H5OH दिस इज अल्कोहल,
OH तो हाइड्रोक्साइड होता है बट ये अल्कोहल का फॉर्मूला NCR के दो ही दिया का आंसर ठीक है. दिया हैज गिवन द राइट आंसर. बस 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 कार्बन की बेटा पांच और एक छह हाइड्रोजन नहीं है क्यों आपने एलिमेंट्स तो तीन ही लिखे हैं तो तीनों की रेशियो निकालोगे. अब करो इसको सिंपलीफाई. ठीक है तो ये टू पे सिंपलीफाई कर दिया हमने. ठीक है find out in case of magnesium sulfide. magnesium sulfide magnesium sulfide सल्फाइड बोला सल्फाइड किस साइड आइड MgSn फिनिश हाँ जी कितना है बेटा ठीक है बेटा ठीक है. होमवर्क में लिख लो एक बेटा टेबल बना लो 2 मिनट रह गए हैं. अच्छा प्लीज you have to fill the missing blanks. Is that clear? You have to fill the missing blanks. देखिए आपने सी
इंडिविजुअली एक एक को देखना पहले, इधर देखो मेरी बात, वाटर है, वाटर को देखना पहले, उसके मोल्स, उसके पार्टिकल्स और उसी का ही मास। आपको मास दिया है, मोल्स दिए हैं, मोल्स से पार्टिकल्स में जा सकते हो, इजीली जा सकते हो, मोल्स गिवन है, मोल्स से पार्टिकल्स में चले जाओ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ आपको एक चीज गिवन है, दैट इज द पार्टिकल। पार्टिकल से वापस आओ मोल्स पे, मोल्स से वापस जाओ, हो जाएगा। सोडियम के लिए आपको सिर्फ मास गिवन है, मास से आगे जाओ किस पे, मोल्स पे, फिर मोल से आगे नंबर ऑफ पार्ट, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड आपको क्या दिया हुआ है, मोल्स, मोल्स के लेफ्ट हैंड साइड चले जाओ और राइट हैंड साइड चले जाओ, दोनों आपकी चीजें निकल जाएंगी।